हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बद्रीनाथ धाम, आपने अच्छी तरह इस नाम को सुना होगा, आप वाकिफ हैं। चार धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, जहाँ अक्सर लोग हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। केदारनाथ भी, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है यानी भगवान शंकर का निवास स्थान, और बद्रीनाथ में है भगवान विष्णु। तो जो बद्रीनाथ जाता है वो केदारनाथ भी जाता है, और जो केदारनाथ जाता है वो बद्रीनाथ भी चला जाता है। बद्रीनाथ धाम है, चार धाम जैसे रामेश्वरम है, जगन्नाथ पुरी है, द्वारकाधीश है और बद्रीनाथ। कहते हैं कि यहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और मानसिक और आत्मिक संतोष भी मिलता है। ये बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जानिए। कहते हैं ये बद्रीनाथ धाम, वो जो वहाँ पर जंगल है बद्रीनाथ के आसपास, वहाँ पर बद्री नाम की बेरी मिलती है। बेरी यानी बेर, बेर का बहुत सारे वहाँ पर जंगल में पेड़ है। तो उन पेड़ पे जब बेर जो है, फल बेरी जो उसको कहा जाता है, वो बद्री नाम की है, तो उसी के आधार पे इस स्थान का नाम पड़ गया बद्रीनाथ। ये नर और नारायण दो पर्वत की श्रृंखला के बीच अलकनंदा नदी के तट पर उत्तरांचल में ये स्थित है बद्रीनाथ धाम। आप में से कईयों ने तो दर्शन भी कर लिया होगा बद्रीनाथ केदारनाथ का। और एक कहानी आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि बद्रीनाथ का धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, उसके पीछे एक और कहानी। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बद्री नाम के पेड़ मिलते हैं, बद्री नाम के फल के पेड़ मिलते हैं वहां पर, इसलिए। दूसरा कहा जाता है कि एक बार शंकर भगवान को, यानी केदारनाथ तब नहीं था, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की। जब वो तपस्या कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, यानी उनके ऊपर पूरी तरह से बर्फ जम रही थी। तो उनके प्रिय यानी लक्ष्मी जी को यह देखा ना गया, उन्होंने वहीं पर एक पेड़ का रूप धारण कर लिया ताकि उनके ऊपर सारे बर्फ आ जाए। इस तरह से वो विष्णु भगवान को बर्फ से बचा सके। जब विष्णु भगवान की तपस्या खत्म हुई तब उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर पूरी तरह से बर्फ जम गई है। वो पहचान गए कि ये लक्ष्मी जी हैं जिन्होंने मुझे पेड़ से, यानी विष्णु भगवान को बर्फ से बचाने के लिए पेड़ का रूप धारण कर लिया। तो उन्होंने उसी दिन से, चूंकि वो बद्री नामक बेर का पेड़ था, तो कहते हैं उसी दिन से उन्होंने कहा कि इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम होगा। अब कहा जाता है कि ये एक समय ऐसा आएगा कलयुग में जब बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, केदारनाथ ये बंद हो जाएंगे, इसके मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अभी तो 6 महीना खुलता है और 6 महीने तक ये बंद रहते हैं मंदिर। तो जाड़े में 6 महीने बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग जा नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बंद कर दिया जाता है द्वार। लेकिन कहा जा रहा है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करना दुर्लभ हो जाएगा, यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ का मंदिर पूरी तरह बंद हो जाएगा। कारण क्या है, कारण जान लीजिए आप। नर और नारायण पर्वत, दो पर्वत ऐसे हैं जिनके बीच में है बद्रीनाथ धाम। कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा, नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, उसी दिन बंद हो जाएगा बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ, यानी भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये कहा गया है। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है, जोशी मठ जो वहीं पर स्थित है, जहाँ पर नरसिंह भगवान की एक मूर्ति रखी गई है, कह रहे हैं उस मूर्ति का एक हाथ दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है। जिस दिन एक हाथ उनका जो पतला हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे दुर्लभ, क्योंकि मंदिर हो जाएगा पूरी तरह से बंद, उसके द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो ये है मेरे पास इन्फॉर्मेशन कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के द्वार
क्यों हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और क्यों कलयुग के अंत में भक्त नहीं कर पाएंगे दर्शन। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।